हेलो बच्चों, ओपन योर हिंदी बुक, पेज नंबर 19। हमने पहली वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ा था ना बच्चों, अब हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे। वल्लभ भाई पटेल ने गोधरा में हुए राजनीतिक सम्मेलन में गुजरात की बेगार प्रथा को समाप्त कराने के लिए प्रस्ताव पास कराया। उनके प्रयासों से गैरकानूनी बेगार प्रथा बंद हो गई। वल्लभ भाई पटेल ने नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। सत्याग्रह के कारण अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। इस सत्याग्रह के बाद उनका नाम पूरे देश में फैल गया। 1927 में बारदोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ। सरकार ने किसानों पर लगान की दर बढ़ा दी। किसान मदद के लिए वल्लभ भाई के पास गए। वल्लभ भाई ने कहा कि अगर जोखिम उठाना हो तो मैं आपके लिए लड़ सकता हूँ। वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली में किसानों के सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने किसानों को इस तरह संगठित किया कि सरकार को लगान मिलना तो दूर, गांव में अंग्रेज अफसरों को भोजन, आवास और सवारी मिलना तक कठिन हो गया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी आंदोलन 6 महीने तक चलता रहा। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। किसानों और सरकार के बीच समझौता हो गया। इस आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तभी से वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से विख्यात हो गए। 12 मार्च 1929 को गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। सारे देश में नमक सत्याग्रह आरंभ हो गया। वल्लभ भाई ने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनको 3 माह की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा दी गई। 17 नवंबर 1940 को एक सत्याग्रह के समय वे गिरफ्तार हुए, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण 9 महीने बाद छोड़ दिए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में वे फिर गिरफ्तार हुए। 15 जून 1945 को अन्य सभी नेताओं के साथ उन्हें छोड़ा गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब वल्लभ भाई पटेल को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्हें गृह और रियासती विभाग का कार्यभार मिला। उस समय उनके सामने देश का एकीकरण करने की गंभीर चुनौतियां थी। अंग्रेजों ने सभी 600 देसी रियासतों को स्वतंत्र करा दिया था। सरदार पटेल ने उन रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवा दिया। हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध तो पुलिस कार्रवाई तक करनी पड़ी। 3 दिन के अंदर ही निजाम की सत्ता का अंत हो गया। सरदार पटेल के इस महान कार्य की देश भर में प्रशंसा हुई। उनके इस कार्य की प्रशंसा करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इतिहासकार जब पिछली बातों पर नजर डालेंगे तब निसंदेह वे समझेंगे कि रियासतों के एकीकरण का काम भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस महान कार्य से संपूर्ण भारत में एकता स्थापित हो गई, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केवल 2.5 वर्ष जीवित रहे। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनकी याद में गुजरात के नर्मदा जिले में एक स्मारक बनाया जा रहा है, जिसका नाम एकता की मूर्ति रखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह मूर्ति संसार की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। वे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस देश के लोग उस महान राष्ट्रीय शिल्पी को कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसे देशभक्त और करम पुरुष सदियों में पैदा होते हैं। थैंक यू।